में आगे भोपाल से बड़ी खबर जहां नई धारा लागू होने के बाद पुलिस कमिश्नर का पहला आदेश किराएदार नौकर स्टूडेंट की जानकारी देना अनिवार्य पहले से रह रहे किराएदारों का भी मांगा गया है रिकॉर्ड कमिश्नर ने भोपाल में धारा एक लागू किया है आपको बता दें कि अगले दो महीने के लिए यह आदेश जारी रहेगा तो इस वक्त की बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं जहां भोपाल से यह बड़ी खबर है नई बढ़ते अपराध के बाद पुलिस प्रशासन जागा है और ऐसे में नई धारा लागू होने के बाद पुलिस कमिश्नर का यहां पर पहला आदेश देखने को मिला किराएदार नौकर स्टूडेंट की जानकारी देना अनिवार्य किया गया है पहले से रह रहे किराएदारों का भी रिकॉर्ड मांगा गया कमिश्नर ने भोपाल में धारा एक को लागू किया अगले दो महीने के लिए आदेश जारी किया गया है बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं अपराध लगातार बढ़ते नजर आ रहा है इन दिनों और अपराध को देखते हुए अब वस... प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है प्रशासन की तरफ से आदेश दिया गया है नए किराएदार नौकर जितने भी होंगे उनकी अब जानकारी देनी होगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अमृतांशी जो जोशी जुड़ चुकी हैं एक बार फिर अमृतांशी की ओर रुख करेंगे अमृतांशी यहाँ पर अपराध को देखते हुए प्रशासन एक्टिव दिखाई दिया नई धारा लागू की गई आखिर यह धारा क्या कुछ देखिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि पिछले दिनों राजधानी भोपाल में कई ऐसी लूट की घटनाएं देखने को मिली हैं जिसमें जो अपराधी हैं वो आ रहे हैं बंदूक की नोक पर हेलमेट लगाकर अलग अलग तरीके से जो है वो लूट कर लोगों को जा रहे हैं चाहे वो वीवीआईपी वी, वी आई पर जो नेताओं ने घर लिए हुए हैं उस रचना टावर की बात करें या फिर बात करें ज्वेलरी की दुकानों की यहाँ पर जो है वो लूट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और जब इनकी तह तक पुलिस जाने की कोशिश करती है तो अक्सर उनके जो पुराने नौकर हैं उनके पुराने किराए

तमाम जो होटल संचालक हैं या फिर जो जो है, संचालक है उनको देनी होगी कि कौन उनके जो है वो रुकने आ रहा है और अगर बाहर के गेस्ट हैं तो जरूर से जानकारी देनी होगी क्योंकि की की आप प्रशासन की तरफ से इकट्ठा की जा रही है ताकि अपराध पर काबू पाया जाए और बढ़ते अपराध को रोका जाए बहरहाल बहुत शुक्रिया अमृताशी तमाम जानकारी देने के लिए